चलिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, रेडी है? आवाज आ रही है? आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बेहतर तरीके से। और यहां पर देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया है और अच्छे क्वेश्चन भी आपके आज हैं। यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पर्यावरण शब्द का संधिविच्छेद इनमें से आपका कौन सा है। पर्यावरण शब्द का संधिविच्छेद पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर, पर्यावरण मतलब होता है परिधन आवरण, है ना? क्या होता है? परिधन आवरण होता है। तो आप कहेंगे सर, यहां पर आंसर देखा जाए तो आपका जवाब जो आपका आ गया है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। परिधन आवरण आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा जो कि आपके भाव को दर्शाती है, है ना? और जब भाव को दर्शाती है तो आप कहेंगे सर, भारत है, लड़का है, मित्रता है, पेड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मित्रता, जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म आपसे पूछा गया है कि अंक के आपके अर्थ इनमें से क्या हो सकते हैं। अंक माने क्या क्या हो सकता है? देखिए, अंक मतलब यहां पर देखा जाए तो संख्या होता है और अंक मतलब गोद भी होता है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में जो चौथा शब्द आपका दिया गया है, ये चौथा शब्द जो आपका दिया गया है यहां पर बताइए गया, तो इसमें विशेषण क्या है, है ना? इसमें जो आपका विशेषण है यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, चौथा शब्द जो आपका है कैसा विशेषण है? तो हमने कहा सर, चौथा जो होता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये जो शब्द आपके होते हैं इन्हें कहते हैं क्या? तो आप कहेंगे सर, संख्या हो जाएगा, बस इसमें क्या है, तो आंसर नंबर आपका क्या बनेगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण आपका हो जाएगा। यहां पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है? पंडित का स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा? पंडित का पंडिताइन होता है। यहां पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर, पंडित का देखा जाए तो पंडिताइन, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, पंडिताइन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है मैंने आम खा लिया है वाक्य में काल पहचानना है। हमने कहा जब खाने की बात करता है तो आपको एक बात याद रखना है कि कहीं ना कहीं ये जो खाने की बात हो रही है वो आपकी अभी अभी की बात हो रही है, अर्थात तो ये हमें नहीं मालूम है कि ये खाना अभी सुबह की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, या दोपहर के खाने की बात हो रही है। अर्थात खाने वाली क्रिया होती बिल्कुल पास की मानी जाती है, है ना? अगर चूका शब्द लगा होता तो पूर्ण हो जाता। तो आप कहेंगे सर, सिक्स नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर डी बनेगा, ये आसन्न भूतकाल है। ठीक है ना, क्लियर है? जय भीम नमो बुद्धाय। यहाँ पर देखिए आंसर आपका डी हो गया। हमने कहा अगर ये क्वेश्चन होता मैं खाना खा चुका था, चुका शब्द हो जाता तो आपका पूर्ण भूतकाल हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब चुका शब्द ना लगा दिया गया हो और ये दिया हो मैं खाना खा लिया है, है ना, ऐसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, तो आपका आसन्न होता है, आसन्न मतलब होता है जो घटना अभी घटित हुई हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है? हमने कहा टहलना, रोना, सोना, ये क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि बिना कर्म के ही पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अकर्म, है ना? हमने कहा क्या टहलता है, अगर आपसे पूछे क्या टहलता है तो आप कुछ नहीं जवाब दे पाएंगे, है ना, कि क्या टहलता है तो कोई मतलब नहीं है। आप कहेंगे संजय टहलता है, तो संजय तो कर्ता हो गया, बात हो रही है कर्म की, तो जब कर्म ही नहीं है तो सीधा सीधा बात है आंसर आपका बी हो गया है। बड़ा आसान होता है जब इसमें कर्म ढूंढिए, क्या इसमें कोई कर्म दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो अकर्मक हो जाएगा, और अगर इसमें कर्म दिख रहा होता तो आपका सकर्मक हो जाता, सकर्म। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, यहां पर बताइएगा ये अव्यय कैसा है? तो हमने कहा ऐसा लगा मानो, मानो मतलब एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एक स्वरूप को दर्शा रहा है, क्या स्वरूप? यहां पर आपका हो जाएगा स्वरूप बोधक, इसका आंसर आपका ए नंबर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि आपकी कौन सी है? तालव्य ध्वनि पूछा गया है, तालव्य दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है। तो हमने कहा तालव्य मतलब तालू वाला होता है, है ना, चा वाला होता है, और चा वाले में दोस्तों आपका सा भी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ रहा है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, सा आपका आंसर है, राइट हो जाएगा।
यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है योग का मूलावस्था है ना, है योग शब्द दिया है मूलावस्था, इसका उत्तमावस्था पूछा है, मतलब ये आपका सबसे थर्ड वाला पूछा है, योग्य दिया है योग्यतर और योग्यतम, हमने कहा सर मूल हो गया योग, अगर द्वितीय पूछ लेता मध्यमा वाली तो योग्यतर हो जाता, उसमें तर लग जाता है ना, और यहाँ पर उत्तमा पूछा है तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला है योग्यतम, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। तो 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस क्रमांक में सुत और सुत है ना सही अर्थ भेद बता रहा है, हमने कहा सर जी सूत दिया है, सूत और सुत यहाँ पर देखा जाए 11 नंबर में, तो सुत मतलब होता है, सूत मतलब होता है जो सारथी, और सुत मतलब होता है पुत्र। पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी और अंग्रेजी मूलक यहाँ पर क्या है नहीं है, चलिए यहाँ पर बताना है आपसे, कह रहा है कि सर कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्द आपका नहीं है। 12 नंबर आपसे कह रहा है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो हमने कहा सर अरबी फारसी या अंग्रेजी मूलक आपका नहीं है 12 नंबर में। चलिए देखिए जल जो आपका दिया है जल है ना, ये जो जल दिया गया है ये जो शब्द आपका ये अंग्रेजी फारसी ये शब्द से नहीं है, ये जो जल है ये क्या है संस्कृत भाषा से है, अर्थात ये संस्कृत मूलक कहा जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद। अगला नीचे दिया गया है संधि, आपसे पूछा गया है सन्मार्ग में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, सन्मार्ग में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, सन्मार्ग यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर आधा जो आपका ना है, इसे थोड़ा सा ये लग रहा है कि अगर व्यंजन संधि ले जाया जाए तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि भैया सन्मार्ग दिया है तो आप कहेंगे सन्मार्ग मतलब हो गया यहाँ पर क्या, ये जो आपका टूटेगा कहीं ना कहीं आधा अक्षर में तो होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा व्यंजन संधि। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ज्ञानोदय में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, चलिए यहाँ पर बताना है और आपसे कह रहा है, आपसे दिया गया है ज्ञानोदय दिया है और ज्ञानोदय में जो संधि होगी वो आपकी कौन सी हो सकती है, चलिए ज्ञानोदय में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, देखा जाए 14 नंबर की बात करते हैं तो देखिए काफी लोग प्रयास कर रहे हैं, जवाब भी आ रहे हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पर देखो आपका जो आंसर ए नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, स्वर संधि आपका है, ये जो आपका है स्वर संधि अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ज्ञान धन उदय हो जाएगा और ओ की मात्रा है तो आप कहेंगे सर इसमें गुण संधि आपकी राइट हो जाएगा। अगला है निराधार का संधि इनमें से क्या है, चलिए यहाँ पर बताना है आपसे, कह रहा है निराधार के संधि इनमें से क्या है, चलिए बताइएगा निराधार में कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक शब्द है क्या है, यहाँ पर जो रा शब्द दिया गया है ना यहाँ पर याद रखिए तो नी तो लगाना है, रा की जगह विसर्ग आपको लगाना है और यहाँ पर आपका धार हो जाएगा, ये शब्द आपका बनेगा विसर्ग संधि में, क्या हो जाएगा विसर्ग में होगा, निह धन आधार बनेगा भाई, आधार शब्द आपको निकाला जाएगा, ठीक है तो याद रखिएगा निह और विसर्ग में हो जाएगा प्लस के बाद आपका आधार, तो ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया है विलोम, आपको बताना है विलोम दिया गया है उपकार का विलोम क्या होता है, एक बात हमने आपको बताया था जब भी यहाँ पर विलोम पूछा जाए उप दिया गया है तो इसका विलोम अप में निकलेगा, मतलब उपकार दिया है और अपकार दिया गया है तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनादर का विलोम क्या होता है, अनादर और आदर है ना, अनादर और आदर तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अनादर मतलब किसी का स्वागत नहीं करते हैं आदर नहीं करते हैं तो विलोम हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर आदर बन जाएगा। अगला है अभिज्ञ पूछा गया है और अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, चलिए यहाँ पर 18 नंबर में तो आप कहेंगे अभिज्ञ है ना, अभिज्ञ का हो जाता है अनभिज्ञ, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम क्या होता है, अथ का विलोम क्या होता है, चलिए अथ मतलब स्टार्टिंग होता है और इसका मतलब अंत करना है और अंत करना है तो इसको बोलेंगे इति कहेंगे इति श्री, तो आपका जो आंसर है आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर अथ का बनेगा इति हो जाएगा, आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर। अगला है करुण का भैया जो विलोम होता है वो क्या होता है, करुण का विलोम क्या हो जाएगा, करुण का विलोम, चलिए करुण का विलोम जो होगा इनमें से क्या बनेगा, करुण का विलोम तो कठोर तो होगा नहीं लेकिन निष्ठुर जरूर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, करुण का होता है निष्ठुर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर पर्यायवाची आपको चुनना है, आपसे कह रहा है सर या तो धान जो पर्यायवाची होता है किसका होता है, या तो धान किसका पर्यायवाची है,
चलिए यहां पर देखा जाए या तो धान जो पर्यायवाची है ये किसका पर्यायवाची है, सभी को जवाब देना है। और यहां पर देखा जाए तो या तो धान आ गया है दानव, है ना, दानव जो राक्षस होता है उसे हम दानव कहते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर निशाचर। निशाचर, दानव, राक्षस, धनुज, है ना, रजनीचर, ये ढेरों आपके होते हैं, डी बनेगा। अगला है ग्रीवा दिया गया है। अब आप बताइएगा यहां पर आपसे कह रहा है ग्रीवा का पर्यायवाची इनमें से क्या है। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, ग्रीवा। ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, है ना, गर्दन, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है रात दिया है और रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर रात के पर्यायवाची की बात कर लेते हैं, तो यहां पर याद रखिए त्रियामा होता है, है ना, रजनीचर तो होता है लेकिन यहां पर दिया है त्रियामा, तो कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। रजनी होता है, है ना, त्रियामा भी होता है, रात्रि होता है, निशा होता है, विभावरी होता है। यहाँ पर अमी मतलब होता है आपका क्या, अमी मतलब होता है आपका अमृत, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है कि जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है या जिसकी आशा ना की गई हो। 24 नंबर आपसे कह रहा है, तो हमने कहा सर 24 को ऑप्शन बनेगा जिसकी आशा ना की गई हो, तो ये होता है अप्रत्याशित, है ना, क्या होता है अप्रत्याशित। जो ऑप्शन नंबर आ रहा है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, अप्रत्याशित होता है। अब जो लोग यहाँ पर आशातीत दे रहे हैं, आशातीत मतलब क्या होता है, आशातीत मतलब होता है आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक, जो आपने आशा किया था तो आशा से अधिक, आशा से अधिक। जैसे हमने कहा है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो हम आपको वो मॉडल पेपर सोल्व कराते हैं जो कि आपकी किताब मार्केट से लेके आते हैं, जो आप लोग सोल्व करते हैं वो चीज हम आपको यहाँ पर अपने माध्यम से यहाँ पर आपको सोल्व कराते हैं। तो आपने जितना अनुमान लगाया नहीं होगा उससे ज्यादा ही आपके नंबर यहाँ पर हिंदी में आते हैं, है ना। आपने अगर यहाँ पर 50 में 40 सोचा है तो 40 से ज्यादा ही आपके आएंगे, मतलब आपकी आशा से ज्यादा आएंगे। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बनेगा, आपका कौन सी हो गया, सॉरी इसका ऑप्शन बी हो गया है, और इसका आशातीत में होता है आशा से अधिक। अगला है आदि से अंत तक के लिए क्या होता है, आदि से अंत, और आदि से अंत होता है जिसे बोलते हैं क्या, यहाँ पर अधोपांत होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अरे फास्ट लगाएंगे भी तो भैया जाएंगे कहाँ, क्योंकि हमको भैया 9:30 बजे तक क्लास को भी तो ले जाना है, अगली क्लास हमारी जो होती है 9:30 बजे होती है, तो 9:30 बजे को ध्यान भी तो रखना है, क्लियर है। यहाँ पर दिया है अरण्य रोदन, है ना, तो अरण्य मतलब ये नहीं कि हम जंगल में जाके रोने लगे अकेले छुप छुप कर, है ना, याद रखिए अरण्य मतलब होता है, यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर बनेगा डी नंबर व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ऑप्शन आपका डी बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है, जंगल में छुप छुप करके नहीं रोना है। अगला आपसे दिया है जिसके पास कुछ भी ना हो, और जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं क्या, अकिंचन। यहाँ पर अकिंचन जो कि ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या होता है, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान होता है प्रायद्वीप होता है, है ना, जैसे आप कहेंगे भारत का प्रायद्वीप तो भैया यही तो आपका होगा ना, ये दक्षिण भारत में। यहाँ पर द्वीप क्या होता है, तो द्वीप कोई भी पानी के एरिया से पूरी तरीके से घिरा होता है। महाद्वीप एक विशाल खंड होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अति मलिन वृषभान कुमारी अधमुख हरि उधर नहीं चितवत ज्यो गथ हारे थकित जुवारी छूटे चिकुल बदन निम्नाए ज्यो नालिनी हिवकर मारी। यहाँ पर रस पूछा गया है, अलंकार नहीं पूछा है जो आप लोग ढूंढ रहे हैं कि सर परीक्षा अलंकार लगा दें क्या, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो रस पूछा गया है। तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से होगा क्या, चलिए ये तो आपको लग रहा है कि श्रृंगार है, लेकिन इसको बोला जाता है, याद रखिएगा इसको जो हम बोलते हैं इसे बोला जाता है विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं, याद रखिए इसका जो आंसर होता है इसे बोलते हैं विप्रलंब, है ना, श्लेष अलंकार नहीं है, हमें मालूम है आप श्लेष ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वृषभानु कुमारी दिया गया है, तो श्लेष नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया रस, और रस दिया है तो इसका आंसर आपको सी लगाना है, याद रखिएगा सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। स्थाई भाव आपका रति होता है, है ना, यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो वियोग आपका हुआ था उसी से हिसाब से है आपका विप्रलंब। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुरंग कुसंग
चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहां पर आपसे छंद पूछा गया है और छंद की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, चलिए 30 मरे यहां पर बखान करिएगा। तो जो रहीम उत्तम प्रगति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। वैसे रहीम दिया है तो रहीम ने दोहा ही लिखा होगा, है ना। दोहे में क्या होता है कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं। तो यहां पर देखिए अगर मात्रा निकालना चाहे तो यहां से आपको 11 मात्रा निकलेंगे, 13 निकलेंगे 13। अगर इसमें ना निकाल पाए तो इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका दोहा है। और दोहे का उल्टा क्या होता है, तो दोहे का उल्टा होता है सुलठा, ठीक है, दोहे का उल्टा सुलठा। अगला है ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, है ना, जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं आपका रंग क्या हो रहा है, श्यामल हो रहा है। वैसे वैसे क्या हो रहा है, उज्जवल भी हो रहा है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, वैसे क्या हो रहा है, आपका रंग उज्जवल भी हो रहा है, अर्थात विरोध बता रहा है। यहां पर एक दूसरे का क्या है, विरोध कर रहा है, तो विरोधाभास आपका आंसर भी बनेगा। अगला है पानी पीकर जात पूछना इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या होता है, पानी पीकर जात पूछना इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो भैया यहाँ पर होता है काम निकलने के बाद सोचना, ऑप्शन हमारा आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पूर्णता महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति क्या है, पूर्णता महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली जो लोकोक्ति होती है उसे कहते क्या है। चलिए 33 नंबर आपके सामने है, 3 में ना 13 में मृदंगम बजाए डेरे में, है ना। आप कहेंगे सर ना 3 में ना 13 में, अर्थात यहाँ पर इसका कोई महत्व अर्थ नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है। 3-13 होना नहीं, ना 3 में ना 13 में, ये हो जाएगा ना, गिनती आपकी यहाँ पर है ना गिनती आपकी कहीं पर है। एक जगह आप टिके रहते हैं तो आपकी गिनती रहती है कि आप यहाँ पर हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है, एरा दिया गया है और एरा की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है आपसे दिया है ममेरा, फिर दिया है फुफेरा, फिर दिया मौसेरा, यहाँ पर दिया है चटेरा। तो आप कहेंगे सर चटेरा की अगर बात कर लिया जाए, है ना, 34 नंबर में जो चटेरा शब्द आपका है तो भैया चटेरा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, चटेरा में आपका नहीं है। बाकी ममेरा में कैसे है, ममेरा में कैसे है, जब इसमें नहीं है तो इसमें कैसे है। तो हमने कहा ममेरा को तोड़ा जाए तो कुछ अर्थ निकलेगा, है ना, कुछ अर्थ निकलेगा। जैसे मामा धन एरा, मामा का एक अर्थ होता है, मामा धन एरा आपका हो जाएगा ममेरा, ठीक है, मामा धन एरा हो जाएगा। और यहाँ पर फूफा वाले में क्या हो जाएगा, उसको भी समझ गए होंगे, इसका भी समझ गए होंगे, है ना, कि सर जी यहाँ पर फूफा धन एरा फुफेरा हो जाएगा, फूफा धन एरा फुफेरा, मौसा धन एरा मौसेरा, लेकिन चटेरा शब्द कोई मतलब होता नहीं है। यहाँ पर अगला दिया है प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग होता है किसी भी शब्दांश के पहले। तो आप कहेंगे सर प्रति जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुरु दक्षिणा में समास बताना है, गुरु दक्षिणा में समास बताना है। और आप लोगों में से गुरु दक्षिणा में वीडियो तक लाइक नहीं करते हैं, दक्षिणा की तो बातें मत करिए, अगर दक्षिणा मांग ले तो आप बदनाम कर दोगे कि देव जी के ट्रिक वाले हमसे पैसे भी मांग रहे थे, 1 रुपए का दक्षिणा मांग रहे थे। यहाँ पर लाइक की तो बातें छोड़ो, है ना। चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है सर गुरु दक्षिणा में समास क्या है, तो हमने कहा सर गुरु दक्षिणा को एक बार तोड़ते हैं। यहाँ पर गुरु दक्षिणा में देखा जाए कि अगर गुरु के लिए दक्षिणा दे रहे हो, गुरु को अगर दक्षिणा दे रहे हैं इसका मतलब देना शब्द है, और देना शब्द दिया है तो आपको संप्रदान लगाना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हमने कहा जब भी कभी देने की बात हो जाए आंख मूंद लीजिए, VIP चश्मा लगा लीजिए, ठीक है, याद रखिए संप्रदान आपका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन है 37 नंबर में, तो देखो आदिवासी दिया है, हमने कहा सर आदिवासी भी होगा, ऋण से मुक्त ये भी आपका है, आमचूर है ना ये भी है, लेकिन पीला जर्द जो दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका डी। याद रखिएगा कि आप कहेंगे सर जी आदिवासी मतलब जो होता है आदि से वास करने वाला, ऋण से मुक्त मतलब ऋण मुक्त, आम का चूर्ण अर्थात आमचूर, पीला जर्द जो पीला है जर्द अर्थात कर्मधारे, जो पीला है जैसे आपका क्या होता है अंडा होता है, अंडा का जो एक प्रकार से अंदर के बीच वाला भाग होता है वो पीला होता है, बाहर क्या होता है सफेद होता है। तो कहेंगे जो पीला है जो जर्द अर्थात ये है जो शब्द आ गया है, और जिस समास में तोड़ने में है जो शब्द लगा होता है वो कर्मधारे समास होता है, कर्मधारे आपका बनेगा, याद रखिएगा डी नंबर। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपका है कौन, हिंदू शब्द क्या सही है,
क्या जो इंदो शब्द दिया है सही है, आप कहेंगे गलत दिया है क्योंकि इंदो शब्द में छोटाओं की मात्रा होती है। ईश्वर तो गलत ही दिया गया है ना भाई, ईश्वर जो दिया है वो तो गलत ही आपका दिया है, ईश्वर में बड़ी आपकी होती है। स्त्री भी गलत दिया गया है ना, ये जो स्त्री है ये भी गलत दिया गया है। अब आप कहेंगे सर स्त्री में यहाँ पर सिर्फ इतना होता है, तो आपका जो सही है वो ऑप्शन डी वाला सही है, यहाँ पर याद रखिए इष्ट हो जाएगा। इच्छुका तद्भव होता क्या है, हमने कहा सर छा का परिवर्तन होता है तत्समय खा होता है, छा का परिवर्तन खा होता है। अब इच्छु दिया है तो इच्छु के हिसाब से ईक होना चाहिए, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, यहाँ पर पंक्ति दी गई और पंक्ति में से आपको करना क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, कुछ भाई है, चार पांच भाई हैं और ये चार पांच भाई क्या है, बिछड़ गए हैं, है ना, बिछड़ गए हैं। या हम ये कह दें कि इन भाइयों को क्या करना है, आपको क्रम से बैठाना है कि छोटा कौन है बड़ा क्या है। एक क्रम बनेगा तभी आपका सेंटेंस बनेगा, मतलब स्टार्टिंग आपको करना है कहां से, यहां से, और अंत में करना है आपके सिर से। जो या राला वाह है ये आपके कम ज्यादा आपके हैं, अर्थात पहले कौन आएगा इसको एड करना है। तो देखिए भाई यहां पर मिलान कर लीजिएगा, है ना, यहां पर मिलान करेंगे तो आप कहेंगे स्टार्ट करते हैं सर यहां से, है ना, एक एक राष्ट्रीय चेतना, एक भौगोलिक सीमा। देखा जाए तो यहां पर अगर आप क्या करेंगे, यहां पर एक 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 तो होगा नहीं, एक एक तो पहले होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन डी वाला देखिए कह रहा है एक भौगोलिक सीमा में, भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों, लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्ट ही देश है। ऑप्शन देखिए सी वाला आपका लग रहा है, सी वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे दिया है गद्यांश, और गद्यांश में दिया है क्रोध के बारे में कि अगर आपके अंदर क्रोध नहीं होता है तो बिल्कुल जीवन बेकार है, क्योंकि अगर हमने आपको डांटा ना होता है ना, हमने अगर आपको डांटा नहीं है तो आप समझिए कि फिर जीवन उद्धार में नहीं आएगा। इसीलिए क्रोध भी करना एक बहुत अच्छी बात होती है, है ना, जब हम आपको डांट दें अच्छी तरीके से आपको क्रोध आ जाता है, और ये क्रोध आना ही मतलब आपकी सफलता का राज है। अगर हमने डांटा है तो आपको मतलब है कि आपको सफलता की ओर आप जा रहे हैं, तो याद रखिए क्रोध होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना आपकी जो है वो आपकी कौन सी है, तुलसीदास की जो रचना है वो आपकी इनमें से कौन सी, 46 नंबर में। तो हमने कहा 46 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कवित्र रत्नाकर तो होगा नहीं, लेकिन ऑप्शन आपका सी जरूर हो जाएगा। यहाँ पर विनय पत्रिका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, विनय पत्रिका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक आपकी है इनमें से कौन सी है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक आपकी है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, इसको नोट करिएगा। और अगला है रसिक प्रिया के जो लेखक है वो आपके कौन है, रसिक प्रिया के जो लेखक वो आपके कौन है। हाँ प्यार भी होना जरूरी है, काहे छूटा जाए तुम्हारा प्यार, है ना, जब जब क्रोध है तो भैया प्यार भी उसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ने कहा कि सर प्यार भी होना जरूरी है। हाँ किताबों से प्यार नहीं सोचा होगा, उरे को सोचे होंगे। देखो दिया है रसिक प्रिया के लेखक आपके हैं कौन है, तो रसिक प्रिया के हो जाएंगे केशव दास है, कौन है, केशव दास, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिये केशव दास हो जाएगा। केशव दास का एक नाम पूछा जाता है, है ना, केशव दास के बारे में एक बात पसंद है, इनके बारे में पूछा था केशव का कैसा कवि कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर देखो केशव जी को कैसा कवि माना जाता है, कितने लोगों को मालूम है यह कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिएगा यहाँ पर केशव दास के बारे में, ताकि अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस भाषा में आपका रचित था। चलिए यहां पर देखिए इसका आंसर आपका जो बनेगा उनमें से होगा क्या कि कवि नागार्जुन को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किस भाषा में है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कठिन काव्य का प्रेत, वेरी गुड, याद रखिए कि केशव दास को कठिन काव्य का क्या बोलते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन था और देखिये पढ़ने वाले स्टूडेंट तुरंत जवाब दे दिए। यहाँ पर देखिए अगला है जो आपका 49 नंबर में और 49 को ऑप्शन डी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जौहर के लेखक कौन हैं, बताइए जौहर के लेखक आपके कौन हैं। तो 50 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये है आपके श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे इसका आंसर बन जाएगा।
अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक पत्रिका है जिसका संपादक प्रेमचंद ने नहीं किया है ना। यहाँ पर देखिए कि प्रेमचंद ने कौन सी पत्रिका का संपादन नहीं किया है, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या होगा? सुधा, मर्यादा, माधुरी या जागरण। सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सुधा है, मर्यादा है, माधुरी है और जागरण दिया गया है। चलिए हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, ये जो आपकी सुधा पत्रिका है। अब ये बताइए सुधा पत्रिका किसकी है? चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल जो कहा है वो किसने कहा है? यहां पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो भैया ये है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। और अगला है रीत काल को अलंकृत काल का नाम जो दिया है वो किसने दिया है? चलिए बताइएगा रीत काल को अलंकृत काल का जो नाम दिया है वो किसने दिया है? यहां पर देखा जाए तो आपका 290 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये है आपके मिश्र बंधु, मिश्र बंधु। अगला है आपसे कह रहा है कहां पर निराला होगा भाई, कहां निराला है? यहां पर देखिए अगला है आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया है? यहां पर दिया है आदिकाल को जो प्रारंभिक काल का नाम दिया है वो किसने दिया है? यहां पर देखिए आदिकाल को प्रारंभिक काल जो दिया है वो किसने दिया है? यहां पर नोट करिएगा आपका जो आंसर है 91 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए, ये है आपके मिश्र बंधु। याद रखिए आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम भी आपके मिश्र बंधु ने ही दिया है। अगला है आदिकाल को बिजुअप्पन काल का नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बिजुअप्पन काल का जो नाम दिया है वो किसने दिया है? यहाँ पर 292 का ऑप्शन बनेगा डी, याद रखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का जो नाम दिया है वो किसने दिया है यहाँ पर बताना है। चलिए हाँ भैया हीरो जी थोड़ी कॉपी पेस्ट कम करें, हीरो हैं तो हीरो की तरह रहें, ठीक है ना, यहाँ पर विलन मत बनिए। देखो भैया दिया है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? यहाँ पर देखा जाए तो 293 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, याद रखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला है पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपको बताना है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता यहाँ पर होंगे कौन? चलिए भैया कॉपी पेस्ट बंद करेंगे, कॉपी पेस्ट बंद करें तो आपकी हिंदी के टीचर जैसी क्वालिटी होगी, बाकी कॉपी पेस्ट करने से आपके जो एक प्रकार से जो अट्रैक्शन वाला होता है वो चीज आपके अंदर दिख नहीं रही है, तो इसलिए कॉपी पेस्ट बंद करके है ना आप कहानी और सुनिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पर देखो दिया गया है पृथ्वीराज रासो की रचयिता का नाम पूछा गया और आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ रहा है लगभग सभी का सही है, हमने कहा सर 294 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है चंद बरदाई, इसका आंसर आपका बनेगा। अगला आपसे दिया गया है रीत काल का जो समय है वो आपका कितना है? चलिए रीत काल का जो समय है वो कितना है बताना है। जब रीत काल की बात आते हैं तो हम कहते हैं सर यहाँ पर देखा जाए तो 295 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत का जो समय है यह रीत काल का समय है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। अगला आपसे यहाँ पर दिया है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया था? कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि भक्ति काल का जो नाम है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन? बी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखा था वो किसने लिखा था? चलिए यहाँ पर हिंदी का प्रथम व्याकरण जो लिखा था वो कौन से विद्वान आपके हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा तो और नोट करिएगा, ये जेसुआ केटलर है, जेसुआ केटलर है ना। और देख सकते हैं जो भैया जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने लोग भी यहाँ पर देखिए हमने कहा हर चीज के हर एक एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाती है अगर आप हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं चाहे टीजीटी हो चाहे आपका यूपीएसआई हो हर चीज के आपके क्वेश्चन हैं, कुछ सरल भी होंगे थोड़ा जरूर कठिन होंगे। यहाँ पर दिया हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? ये जो जाता है वो किसको जाता है? तो याद रखिए इसको ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आंसर नंबर है आपका सी होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है।
आपसे कह रहा है सदाचार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो समय सीमा है वो कितनी है, आदिकाल की जो समय सीमा है वो कितनी है। तो यहाँ पर देखिए आपका कहेंगे सर विक्रमी संवत से स्टार्ट होता है 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, ये जो आपका है आदिकाल के समय सीमा है, ऑप्शन मैंने आपका ये नंबर है। और हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपके हमेशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी साहित्य की भूमिका के पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंद बरदाई की रचना किसकी है, चलिए अब कठिन क्वेश्चन जो कठिन थे वो क्वेश्चन खत्म हो गए। कठिन जो क्वेश्चन है वो आपके खत्म हो गए। देखो यहां पर आपसे कह रहा है, यहां पर दिया है कि भैया चंद्रवरदाई की जो रचना है वो आपकी किसके है। तो यहां पर चंद्रवरदाई की रचना है और ये जो रचना है ऑप्शन नंबर आपका डी पृथ्वीराज रासु, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां देखने को मिलता है, यहां पर बताना है कि अभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो आपके कहां पर मिलता है, इसका आंसर जो बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। 302 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर डी राइट हो जाएगा कि राजा धर सेन द्वितीय के शिलालेख, इसका आंसर है राइट, राजा धार के सेन जो द्वितीय है इनके शिलालेख में मिलता है। अगला है नाश केतोपाख्यान किसकी रचना है, नाश केतोपाख्यान ये जो रचना है वो आपकी किसकी है, नाश केतोपाख्यान। अब देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि आप टीजीटी पीजीटी आपके भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हमने कहा सर नाश केतोपाख्यान किसकी रचना है, तो आपका आंसर बनेगा ए, ये आपके सदर मिस हो जाएंगे। प्रबंध चिंतामणि दिया है, प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो आपके बनेंगे बी, ये आपके जैनाचार्य मेरुतुंग हो जाएंगे, इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी बनेगा। अगला है मैथिल कोकिल के नाम से किसे जानता है जाना जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से जानते हो कवि कवि किस कवि को जाना जाता है, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर सी हो जाएगा विद्यापति को जानते हैं, ये क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है। वेसल देवरासो के रचयिता इनमें से कौन है, वेसल देवरासो के जो रचयिता है वो आपकी इनमें से कौन है, तो वेसल देवरासो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी नरपति नाल हो जाएंगे। यहाँ पर अगला है कि सिद्ध कवि जो आपके हैं कौन, सरायपा की रचना का नाम इनमें से क्या है, सरायपा की एक रचना है और इस रचना का नाम है दोहा कोश, क्या नाम है दोहा कोश, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए। और अगला है आला खंड का जो वास्तविक स्रोत ग्रंथ है वो आपका कौन है, आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ जो आपका है इनमें से कौन हो सकता है, तो दोस्तों ये है आपका परमाल रासो, है ना, कौन है परमाल रासो, बताया हुआ था आला खंड परमाल रासो, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। तो भैया हिंदी साहित्य के भी हर प्रकार के क्वेश्चन चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, डेली यहाँ पर 8:50 में एक क्लास ले सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद वंदे मातरम, जल्दी से आइए।